सो हेलो गाइस, माय नेम इज रोहन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम जिस पेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, ये एक बहुत ही यूनिक पेट्स है। ये जो पेट्स है, इसको आप रेप्टाइल कह सकते हो क्योंकि एक रेप्टाइल है। पर जैसे फिश का गिल्स होता है, इसका भी गिल्स होता है। पर एक खास बात है, इसका जो गिल्स होता है ये इसके शरीर से बाहर होता है। दूसरी बात, ये फिश तो है पर इसका पैर है। बहुत लोग इसको फिश समझते हैं पर ये फिश नहीं है, एक रेप्टाइल है। सो मैं जिस पेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो है एक्सोलोटल। हाँ शायद सही प्रोनाउंस किया, एक्सोलोटल, क्योंकि लास्ट में एक एल है। सो ये जो एक्सोलोटल है, ये एक बहुत को इसको फिश समझते हैं पर ये एक रेप्टाइल है, क्योंकि ये भी अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अपने आप से मेंटेन नहीं कर पाता। और ये भी जो है, इसके जो पैर है इससे वो पानी के अंदर चलता है। पर हाँ, दूसरे जो रेप्टाइल होते हैं उनकी तरह ये बास्किंग नहीं करता, ये पूरे के पूरे टाइम पानी के अंदर ही रहता है, ये कभी बाहर नहीं आता। और ये जो पैर है ये उनको पानी के अंदर ही चलने में मदद करता है। सो बात करते हैं इसके बारे में। सो ये जो एक्सोलोटल है, ये एक बहुत ही यूनिक सा पेट्स है। आपने देखा होगा जो सैलामेंडर जैसा होता है ना, ये उसी फिशिस का है, मतलब उसी के कैटेगरी का। जैसे सैलामेंडर का हाथ पैर या फिर कोई भी बॉडी पार्ट्स अगर कट कर दे तो कुछ टाइम बाद वो जैसे रीग्रो हो जाता है, एक्सोलोटल का भी वैसा ही है। इसको भी अगर आप चारों के चारों पैर या फिर पूछ कहीं से भी कट कर दे तो ये दूसरी बार रीग्रो हो जाता है, इसलिए ये इतनी आसानी से मरते नहीं है। ये इसका एक बहुत ही अच्छा और यूनिक बात है। पर हाँ, मरते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको जैसे भी रख सकते हो। इसका केयर बहुत अच्छा लगता है, अगर आप प्रॉपर केयर कर सकेंगे तभी आपके लिए एक्सोलोटल बेस्ट है, वरना नहीं। फीडिंग के बारे में, सब कुछ के बारे में हम इस टीपी वीडियो में टॉपिक पे बात करेंगे। सो सबसे पहले बात करें अगर इनकी केयर की, तो देखिए ये जो एक्सोलोटल होते हैं ये कोल्ड वाटर टेम्परेचर में ज़्यादा रहने के पसंद करते हैं। मतलब अगर आपके एरिया में अगर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है तो आप एक्सोलोटल ईजिली रख सकते हैं। तो अब बात आते हैं जिसके एरिया में गर्मी ज़्यादा होता है, तो वो क्या एक्सोलोटल नहीं रख सकते? ऑब्वियसली रख सकते हैं, पर हाँ, उसका जो वाटर टेम्परेचर है उसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। वो 18 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए और 24 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके बीच का अगर टेम्परेचर मेंटेन कर सके तो ऑब्वियसली चलेगा। और अगर बात करें पानी को ठंडा रखने की, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास घर में फ्रिज है तो आप कोई भी बॉटल को फ्रिज में रख के उसका जब पानी पूरी तरीके से ठंडा हो जाए या फिर जम जाए, उसके बाद वो एक बॉटल आप एक्सोलोटल के जो टैंक है उसके अंदर रख सकते हो। इससे क्या होगा, जो वाटर टेम्परेचर है वो भी कूल रहेगा और मेंटेन में रहेगा। अगर इसकी बात करें इसकी टैंक साइज की, तो अगर आप एक पेयर एक्सोलोटल रखना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 20 गैलन टैंक रहेगा। मतलब एक्सोलोटल अगर एक भी रखे तब भी इसको मिनिमम टैंक का साइज अगर बोले तो 20 गैलन होता है। इसे बढ़ा दे सके तो वो और भी अच्छा है। और बात करें अगर इनकी बिहेवियर, हैंडलिंग, फीडिंग की, तो ये देखिए, पहले बात बोल दूँ, इनको ज़्यादा छूना नहीं चाहिए क्योंकि एक तो इनका बॉडी जो है बहुत नाजुक होता है, किसी भी कारण से इनको चोट लग सकती है। हाँ, मैंने बोला था ये रीग्रो होता है, पर चोट लगने पर तो दर्द होता ही है। और दूसरी बात, जो डिप्रेशन वो तो अलग से होता है, तो इसलिए इनको ज़्यादा टच करने की कोशिश मत कीजिए। पर हाँ, ये लोग बहुत ही अच्छे टेम हो जाते हैं। आप अगर रेगुलरली आप ही अगर अकेले इसको फीड करेंगे तो देखना, वो आपको देखकर ऊपर आएगा, आपको टच भी करने दे सकता है। YouTube पे भी अगर आप सर्च करें तो आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्सोलोटल होता है वो कितने अच्छे टेम होते हैं। वो हैंड से फीडिंग लेता है, वो बहुत सारे ट्रिक्स दिखाता है एट्सेट्रा। पर अगर बात करें इनकी मेंटेनेंस की, तो देखिए सबसे पहली बात जो है, इनका जो वाटर पैरामीटर जो होता है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मतलब इनका पीएच या फिर वाटर क्वालिटी सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर वाटर जो पैरामीटर है वो अगर ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो इससे इनको जान की खतरा हो सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, फिल्ट्रेशन की बात करें तो आप कोशिश कीजिए हैंग ऑन बैक फिल्टर जैसे फ़िल्टर यूज़ करने के लिए, क्योंकि क्या होता है, इनका जो वाटर फ्लो होता है वो बहुत ही कम होता है। क्योंकि ये जो एक्सोलोटल होते हैं ये इतने अच्छे स्विमर नहीं होते, मतलब अच्छे स्विमर होते हैं पर इतना ज़्यादा नहीं कि वो ज़्यादा जो वाटर फ्लो होता है वो उनको मेंटेन में रख पाए। इसलिए आप कोशिश कीजिए इस तरह का कोई फिल्टर यूज़ करने के लिए जिसका जो होता है वाटर फ्लो बहुत ही कम होता है। इससे क्या होगा, जो एक्सोलोटल होगा वो भी ईजिली रह पाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और उनको डिप्रेशन में जाने का भी बात नहीं रहेगा। फीडिंग में भी अगर बात करें तो ये फुल्ली जो नॉनवेज खाना होता है वही खाते हैं। मतलब इसमें आप क्या कर सकते हैं, ब्लड वार्म, ट्यूबिक्स वार्म या फिर आर्थ वार्म जैसे किसी भी तरह का वार्म दे सकते हैं। छोटे छोटे जो पीस होते हैं वो भी आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं। और कुछ नहीं मिले तो जो चिकन का जो पीस होता है उसको भी छोटे छोटे पीस में कट करके भी आप इनको खिला सकते हैं, ये वो भी बहुत अच्छे से खाते हैं। इनको खाने में भी कोई झंझट नहीं, सब कुछ ही बहुत अच्छा रहता है। और एक बात, अगर आप इनके लिए कोई इन्क्लोज़र बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसको बेयर बॉटम रखने के लिए, क्योंकि एक देखिए बेयर बॉटम जो टैंक होता है उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आसान होता है।
और एक्सोलॉटल रहने में भी, क्योंकि देखिए अगर आप किसी तरह के एक्वेरियम का ग्रेवल या फिर कुछ यूज़ करें तो एक्सोलॉटल की एक बुरी आदत यह है कि वो इसके मुंह में जो भी फिट आता है वो उसी को ही खाने का कोशिश करता है। इसलिए आप अगर किसी भी शार्प जो पत्थर है या फिर कोई ग्रेवल अगर रखें बाई चांस अगर इसके मुँह में अटक जाए तो ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए आप हो सके तो सैंड यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा सब्सट्रेट होता है, या फिर बियर बॉटम रखिए। और डेकोरेशन की बात करें तो आप प्लांटेड टैंक में भी अच्छी तरीके से रख सकते हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, एक नेचुरल फीलिंग देता है। और अगर टैंक प्लांटेड टैंक अगर नहीं कर सकते तो आप नॉर्मल बियर बॉटम या फिर सैंड बॉटम से भी काम चला सकते हैं। पर हाँ, एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है हाइडिंग प्लेस। ये जो होता है इनको हाइडिंग प्लेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ये लोग छुपके ही बिताते हैं, इनको यही इनका नेचुरल नेचर होता है, इसलिए इनके लिए हाइडिंग प्लेस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप किसी भी टैंक में रखिए, इनको हाइडिंग प्लेस ऑब्वियसली प्रोवाइड कीजिए। और बात करें अगर वाटर चेंज की, अगर आप इसके अंदर फिल्टर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप हफ्ते में एक बार कम से कम 30% वाटर चेंज कर दीजिए। और अगर फिल्टर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपको रेगुलरली 10-20% वाटर चेंज करना चाहिए, अगर आप इनको अच्छी तरीके से रखना चाहते हो तो। इनकी अगर साइज़ की बात करें तो एक एडल्ट एक्सोलॉटल जो होता है ये 20-25 सेंटीमीटर तक होता है। कुछ कुछ एक्सोलॉटल इससे भी बड़े हो जाते हैं, पर वो एक रेयर केस होता है। सो इस हिसाब से अगर आप इनकी टैंक मेट्स की बात करें तो आप बेहतर होगा कि इनको आप अकेले ही रखें, मतलब आप अगर एक्सोलॉटल रख रहे हैं तो आप एक्साइटेक टैंक बनाएं जिसके अंदर ओनली फॉर एक्सोलॉटल ही रहे। और अगर आप इसके टैंक मेट्स ऐड करना चाहते हैं तो आपको ये नोटिस रख, मतलब ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो टैंक मेट्स का साइज है वो इसके मुंह में फिट आने वाला है, इतना छोटा भी मतलब कोई मौली या गप्पी मत रखे क्योंकि ये उनको खा लेगा। और कोई ज़्यादा एग्रेसिव या फिर ज़्यादा बड़ा फिश भी ना रखे जो इनको हार्म पहुँचा सके। पर एक्सोलॉटल क्या होता है, ये तो एक मतलब नॉन वेजिटेरियन फिश है, मतलब एक रेप्टाइल है, तो इसलिए क्या होता है कि ये दूसरे मछली को कभी कभार अटैक कर देता है, इसलिए इनको अकेले रखना सबसे बेहतर होता है। आप अगर एक टैंक में एक से ज़्यादा एक्सोलॉटल रखने की सोच रहे हैं तो आप उस हिसाब से उतने ही क्वांटिटी में जो हाइडिंग प्लेस होता है उसको प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कम हाइडिंग प्लेस रहने से क्या होता है एक दो एक्सोलॉटल अपने आप में ही झगड़ना शुरू कर देते हैं, इससे एक दूसरे का ही नुकसान होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो ओवरऑल अगर देखें वाटर टेम्परेचर और वाटर पैरामीटर, इन दोनों को अगर अपने अच्छी तरीके से समझ ले और इसको अगर मेंटेन रख पाए तो एक्सोलॉटल एक बहुत ही इजी टू केयर पेट्स होता है। इनमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता, ये बहुत ही अच्छे ग्रोथ भी लेते हैं, इनका जो ब्रीडिंग होता है ये भी बहुत ही आसानी से हो जाता है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता। और बात करें इनकी लाइफ स्पैन की तो ये अगर अच्छी तरीके से रख पाए तो ये 15-25 ईयर्स तक जी सकता है, इसका मतलब ये आपके साथ एक बहुत ही अच्छे अच्छे यादें रख के जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रख के आप एक अच्छी तरीके से एक अच्छे क्वालिटी का एक्सोलॉटल आप खरीद सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो एक्सोलॉटल के दुनिया में बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल है, पर अगर आप नॉर्मली इंडिया में देखें तो इनको तीन ही कलर वेरिएंट में आपको मिल सकता है, एक होता है व्हाइट, दूसरा है गोल्डन या फिर जिसको येलो बोला जाता है, और एक होता है ब्लैक। इन तीन कलर में आपको इंडिया में नॉर्मली मिल जाएगा, आप अगर किसी भी एक एक्जॉटिक पेट शॉप में जाए तो आपको इन तीनों में से कोई एक कलर का एक्सोलॉटल आपको ईजिली मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर किसी भी नए टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।